2017 में जापान में देखे आग के गोले को रिसर्च करके विशालकाय क्षुद्र ग्रह का छोटा टुकड़ा बताया है। अगले 10 मिलियन वर्षों में किसी बिंदु पर विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में छोटे शार्क और स्लैम का अनुसरण कर सकता है। 28 अप्रैल 2017 की सुबह क्योटो जापान के ऊपर आसमान में एक छोटी सी आग का गोला दिखा और अब सोनाटा को उल्का सर्वेक्षण द्वारा एकत्र किए गए डेटा से शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया है कि ज्वलंत अंतरिक्ष चट्टान एक बहुत बड़े क्षुद्र ग्रह का एक शार्क था जो पृथ्वी को खतरे में डाल सकता है। जापान के ऊपर जलाया जाने वाला उल्का छोटा था। सोनाटा को डेटा का अध्ययन करते हुए शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया कि वस्तु ने लगभग 1 औंस (29 ग्राम) के द्रव्यमान के साथ वायुमंडल में प्रवेश किया और पूरा 1 इंच (2.7 सेंटीमीटर) था। इससे किसी को खतरा नहीं था, लेकिन इस तरह के छोटे उल्काएं दिलचस्प हैं क्योंकि वे बड़ी वस्तुओं पर डेटा की पेशकश कर सकते हैं जो उन्हें स्पॉन करते हैं। और इस मामले में शोधकर्ताओं ने छोटी चट्टान को उसके माता पिता के पास वापस ट्रैक किया। एक वस्तु जिसे 2003 YT1 के रूप में जाना जाता है, 2003 YT1 एक द्विआधारी क्षुद्र ग्रह है जो कि 690 फीट (210 मीटर) लंबा है, जो एक छोटे क्षुद्र ग्रह द्वारा परिक्रमा करके लगभग 1.2 मील (2 किलोमीटर) की एक बड़ी चट्टान से बना है। 2003 में खोजा गया YT1 का बाइनरी सिस्टम में अगले 10 मिलियन वर्षों में किसी समय पृथ्वी से टकराने का 6% मौका है। यह उस वस्तु को बनाता है जिसे शोधकर्ता संभावित खतरनाक वस्तु कहते हैं। भले ही यह आपके जीवन काल में किसी को चोट पहुंचाने की संभावना न रखता हो, बाइनरी 2017 में पृथ्वी से नहीं गुजरी, इसलिए उल्का और उसके माता पिता के बीच तुरंत स्पष्ट लिंक नहीं था। लेकिन शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया कि कैसे आग का गोला आसमान में चला गया और अंतरिक्ष के माध्यम से ऑब्जेक्ट की कक्षा को रिवर्स इंजीनियर करने में सक्षम था। यह उच्च स्तर की निश्चितता के साथ 2003 YT1 को पिन करता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि 2003 की YT1 से छोटी चट्टान कैसे अलग हो गई, लेकिन यह विश्वास है कि यह धूल की एक बड़ी धारा का हिस्सा है जो क्षुद्र ग्रह से दूर हो गया, और उन्होंने उस धारा के गठन के लिए कुछ संभावित स्पष्टीकरण की पेशकश की। हो सकता है कि छोटे माइक्रोएलेमोरेट्स ने बाइनरी में बड़े क्षुद्र ग्रह को नियमित रूप से हड़ताल कर दिया, इसे एक चट्टान की दीवार पर गोलियां मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, या शायद गर्मी में परिवर्तन क्षुद्र ग्रह की सतहों में से एक में फटा। लेखकों द्वारा प्रस्तुत एक परिदृश्य यह है कि शार्क उस प्रक्रिया का एक परिणाम है जब 2003 में पहली बार YT1 प्रणाली का गठन किया था। अभी के लिए हम जानते हैं कि पृथ्वी का दौरा एक बड़े क्षुद्र ग्रह के एक छोटे से टुकड़े से हुआ है, और वही छोटा टुकड़ा संभवतः अन्य छोटे टुकड़ों की एक धारा का हिस्सा है जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करता है, और किसी समय वह बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर जा सकता है। वह आग का गोला बहुत बड़ा होगा।